शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी आए। यहां उन्होंने सबसे पहले मानस भवन में नगर पालिका परिषद शिवपुरी को गेल इंडिया के द्वारा प्रदत्त कचरा संग्रहण वाहनों को नगर पालिका परिषद को सौंपा। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में जनहितकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि आपके द्वारा लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पराजित किया गया था, जबकि भाजपा में आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी है, जबकि आपको साइडलाइन किया गया है, सवाल में वो बोले कि भाजपा को हर कार्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर होता है जो साइडलाइन होता है। इस कार्यकर्ता को जो जवाबदारी बनती है व्यवस्था पूर्ण रूप से निर्वहन करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा फ्रंट लाइन में ही रहता है और फ्रंट लाइन में ही खेलता है, कोई साइड लाइन नहीं होता। जिस भी कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी मिलती है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। आप सबके और क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नागरिक के आशीर्वाद से मैं सांसद बना हूँ और आपने देखा होगा कि लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए जो मुझसे संभव हो सकता है वो कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और रही मंत्री बनने की बात, तो पार्टी ये सभी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। आपने देखा होगा कि संसद में मैंने चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो और चाहे उद्योग की बात हो, मैंने आप लोगों की भावना से जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व को और सरकार को अवगत कराया है और निरंतर कराता रहता हूँ। कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ों में समय लगता है, निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जैसी भावनाएं यहाँ के लोगों की, जिन चीज़ों से हमें अभी तक वंचित रखा गया वो सारी चीज़ें आएंगी और जरूर क्षेत्र की बिल्कुल। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से तो हमारा और आपका सबका एक ही उद्देश्य है कि इस कोविड महामारी से कैसे हम अपने लोगों को बचा सकें, और उसमें आप सबके आए सहयोग से हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि ये महामारी बहुत ही भयानक महामारी थी और सबका ध्यान बस एक ही तरफ था। लेकिन आप चिंता ना करें, इस महामारी से हमने लगभग जंग जीत ली है। वैक्सीनेशन बढ़िया चल रहा है, आप सब लोगों ने जनता को जागरूक किया है और लोगों ने जो भी गाइडलाइन थी उनका भी पालन किया और वैक्सीनेशन में भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे ही इस महामारी से हम जंग जीत लेंगे, निश्चित ही बाकी के सब कामों पर भी ध्यान दिया जाएगा और जल्दी पूर्ण होगा।